अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गुलाम के नियम के बारे में, तो मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और चलिए शुरू करते हैं। सन 1785 में प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम ने आवेशित वस्तुओं या दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संदर्भ में एक नियम दिया, जिसे कुलाम का नियम कहते हैं। कुलाम ने अपना यह नियम एठन तुला प्रयोग द्वारा किए गए आवेशों पर प्रयोग के आधार पर दिया। कुलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के परिमाण को ज्ञात करने के लिए एठन तुला का प्रयोग की सहायता ली और विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने के बाद अपना नियम प्रतिपादित किया। कुलाम के नियम को कुलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। कुलाम ने अपने नियम में बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों पर कार्यरत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है। कुलाम के अनुसार दोनों आवेशों पर लगने वाला बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुलाम के नियम का गणितीय निरूपण। माना कोई स्थिर आवेश है Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी R है, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती F व्युत्क्रमानुपाती 1/r2 दोनों को मिला दिया जाए तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r2। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने पर एक कांस्टेंट जुड़ेगा k, तो F इक्वल टू k Q1 Q2/r2, जहां k एक समानुपाती नियतांक है। k का मान आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति और मात्रक पर निर्भर करता है। शर्तें हैं, पहला है यदि आवेश निर्वात या वायु में रखे हैं और बल न्यूटन में तथा दूरी मीटर में है और आवेश कुलाम में दिए गए हैं, तो k समानुपाती नियतांक का निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। k इक्वल टू 1/4πε0। k का जो मान होता है वो 9×10⁻⁹ होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो है निर्वात की वैद्यशीलता। निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल F0 है, तो निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। F0 = k Q1 Q2/r2। k का मान 1/4πε0 रखेंगे तो F0 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r2। यही कुलाम का नियम है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें,